संसार में भी नियम, मनुष्य के लिए नियम, ठीक ठीक खाओ, मात्रा से अधिक खाओगे तो बीमार पड़ोगे, मात्रा से कम खाओगे तो बीमार पड़ोगे, ठीक ठीक विश्राम करो, यदि विश्राम नहीं करोगे तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, अधिक विश्राम करोगे तो बीमार हो जाओ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी सर्वत्र नियम है ना सृष्टि में। भगवान कहते हैं कि मैं संसार का नियंता हूं, नियम को बनाने वाला, किंतु मैं स्वयं उच्छृंखल नहीं हूं, मैं भी नियम से चलता हूं। मेरा नियम है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब लोग कहते हैं स्वामी जी क्या कोई दूसरा मार्ग नहीं? क्या मतलब कि बिना शरणागति के हमारी ऊपर कृपा हो जाए? ऐसा कैसे? अरे भगवान तो परम स्वतंत्र है, हम शरणागत हो जाए तो कृपा करें, और हम शरणागत न हो तो भी कृपा कर दे। भगवान कहते हैं देखो ये घपड़ शपड़ नहीं होता, हम नियम से चलते। संसार में भी नियम, मनुष्य के लिए नियम, ठीक ठीक खाओ, मात्रा से अधिक खाओगे तो बीमार पड़ोगे, मात्रा से कम खाओगे तो बीमार पड़ोगे, ठीक ठीक विश्राम करो, यदि विश्राम नहीं करोगे तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, अधिक विश्राम करोगे तो बीमार हो जाओ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी सर्वत्र नियम है ना सृष्टि में। ये जो नक्षत्र तारागण आदि है ये भी नियमित गति से चलते, इतना बारीक नियम है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो सब टकरा के खत्म हो जाए। भगवान कहते हैं कि मैं संसार का नियंता हूं, नियम को बनाने वाला, किंतु मैं स्वयं उच्छृंखल नहीं हूं, मैं भी नियम से चलता हूं। मेरा नियम है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस नियम को मैं तोड़ता नहीं। देखो राम को देख लो, भगवान थे और भगवान के पिता थे दशरथ, वो दशरथ राम के वियोग में मर गए, राम ने बचाया नहीं, कौशल्या विधवा हो गई। कौशल्या कंप्लेंट कर सकती थी कि भगवान मेरे बेटे हैं, फिर मैं विधवा कैसे बन रही हूं, बचाओ मेरे पति को। राम कहते हैं भाई देखो ये निश्चय कोर्ट में होगा, जिसका जैसा हिसाब किताब है उसको वैसा ही फल मिलेगा, कोई घरेलू मामला नहीं है कि जज साहब बेटे बन गए हैं तो अब रियायत कर दें। इसलिए तो लोग भगवान का सम्मान करते हैं कि भाई देखो संसारी लोग भले अन्याय कर दें, किंतु भगवान के यहां तो हम न्याय की ही आशा कर सकते हैं। यदि कोई अमीर एक गरीब को सताता है, वो गरीब क्या कहता है, सेठ जी कर लीजिए जो करना है, हमारा आपका फैसला भगवान के दरबार में होगा। अब वो जो गरीब कह रहा ऐसा नहीं कि वो महापुरुष है, किंतु एक सामान्य व्यक्ति में भी ऐसी श्रद्धा तो है कि संसार भले धोखा दे दे, भगवान के यहां जरूर न्याय होगा। भगवान कहते हैं भी इतनी बड़ी हमारी पर्सनालिटी पर लोगों का विश्वास है और हम ऐसे ही बिना शरणागति के कृपा कर देंगे तो जानते हो क्या है, फिर सारा संसार हमसे विमुख हो जाएगा। ऐसा कैसे? देखो एक बाप के दो बेटे थे,
बाप ने दोनों को आज्ञा दी कि ये धान की फसल बोनी है, यही सीजन है, इसलिए जाके परिश्रम करो। तो एक बेटा गया खेत में और दिन भर पसीना बहाते हुए धूप में उसने पिता की आज्ञा के अनुसार परिश्रम किया। शाम को लौटा, बाप ने उसको शाबाशी दी और उसको पुरस्कार दिया, ये ले बेटा 500 रुपए, जो करना है जाके कर। दूसरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, वो खाट पे लेटा रहा, बाप को गाली देता रहा, शराब पीता रहा, सिगरेट लेता रहा। अब यदि शाम को बाप उसको कहे, चलो कुपूत भले हो लेकिन कुबाप तो नहीं होता है, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, अंडबंड किया, कोई बात नहीं, मुझे तो दयालु ही होना चाहिए, ले ले बेटा तू भी 500 ले, जो करना है कर। यदि बाप इस प्रकार से अन अधिकारी को पुरस्कार दे देगा तो जो अधिकारी है उसकी श्रद्धा टूट जाएगी। दूसरा बेटा कहेगा, ये पिताजी का न्याय है कि जिसने परिश्रम किया वफादारी के साथ उसको भी 500 रुपए, और जो बेवफा बन के खाट पे लेटा रहा उसको भी 500 रुपए। अगर पिताजी की यही पॉलिसी है तो फिर मैं भी परिश्रम क्यों करूं, मैं भी कल से खाट पर लेटा रहूंगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सोते रहो। जैसे अपने पब्लिक सेक्टर में होता है ना, हमारे देश में एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां सारी की सारी, भले राउरकेला स्टील प्लांट हो, भिलाई स्टील प्लांट हो, सब लॉस पे चलती, और प्राइवेट सेक्टर ठीक ठीक प्रॉफिट बना लेते। तो ये लॉस पे क्यों चलते? क्योंकि गारंटीड प्रमोशन है, काम करो या ना करो प्रमोशन तो हो ही जाएगा। तो लोग कहते हैं फिर अब प्रमोशन हो ही जाएगा, फिर काम क्यों करें? और प्राइवेट सेक्टर में ठीक ठीक नहीं किया, गेट आउट। तो लोग तो वही हैं, किंतु रिवॉर्ड पॉलिसी से सब अंतर आ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई देखो, यदि हम बिना शरणागति के कृपा कर देंगे, आज तक जितने संत हुए वो कहेंगे कि महाराज हमने तो अनंत जन्म प्रयत्न किया, जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ते प्रजायते, इस पर आपने फ्री फंड में कृपा कर दी, तो हमारी शरणागति का मतलब क्या रहा? इस तो भगवान कहते हैं भाई देखो, मैं ये घपड़ शपड़ नहीं करता, मैं नियम से ही चलूंगा, तुम मेरे नियम को समझ लो और अपना निश्चय कर लो जो करना है। कृपा चाहिए जी महाराज, शरणागत हो जाओ, कृपा नहीं चाहिए शरणागति मत करो। नहीं नहीं मुझे कृपा तो चाहिए लेकिन शरणागति नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं ये सब नहीं होगा, नियम नियम ही रहेगा। तो अब हम लोगों को निश्चय करना है कि यदि आनंद प्राप्ति करनी है, यदि माया निवृत्ति करनी है, तो फिर हमको भगवान के शरणागत होना होगा। हम लोगों ने भगवान पर मुकदमा दायर किया था ना, भगवान आपने कृपा क्यों नहीं की, आप दोषी हैं। तो अब भगवान ने उसको घुमा दिया, तुमने शरणागति क्यों नहीं की, कभी तुम्हारी तरफ से थी? जिन संतों ने समर्पण कर दिया उन्होंने मेरे अनुग्रह को प्राप्त कर दिया। तो अब हम जब शरणागत होंगे तब भगवान की कृपा मिलेगी, और भगवान की कृपा से हम भगवान को जानेंगे, और जब भगवान का ज्ञान होगा तो भगवान में श्रद्धा होगी, और श्रद्धा से भगवान से प्रेम होगा तो भगवत प्राप्ति होगी।